लालू जी जो है सो अपने बेटे को खुद फंसाए हैं और जिसमें रियलिटी है, सत्यता है। लपेटा यहाँ भी है, दोष यहाँ भी है, और मोदी जी छोड़ेंगे नहीं साहब। ये पंचवर्षीय इनका जो है सो पत्ता सा। बीजेपी पार्टी में सबसे भ्रष्टाचार और सबसे में ही स्वीट पॉइजन उस सुशील कुमार मोदी हैं। अपनी बहन के बारे में वो भी तो फंसी हुई है, नीलम मोदी की, उनका बहन का कोई नाम उमा रहा, चुपचाप दबा के तकिया के नीचे फाइल रख लेते हैं। आज जब बिहार में आते हैं तो लालू परिवार, आरजेडी परिवार, महागठबंधन के लोगों को उन्होंने तंग करने का सिर्फ काम करे। हर जगह टॉचिंग करता है, यूपी में, बंगाल में, बिहार में, हर जगह 15 जगह बीजेपी साफ है, 24 में वो भी साफ हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार थी, बात सही है, तो कांग्रेस की सरकार आज के भी रहती तो तेजस्वी के इतना टॉर्चर नहीं मिलता। बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वही टॉर्चर कर रहा है। घोटाला हुआ कांग्रेस के राज में, जेल हुआ बीजेपी के राज में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव को 4 तारीख को लैंड फोर्जर स्कैम मामले में दिल्ली के राम जवेद जी कोर्ट में सशरीर उनको पेश होना है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कई तरह की चर्चाएं तेजस्वी यादव के खिलाफ चलती रहीं। आखिरकार तेजस्वी यादव को कौन फंसाना चाहता है? सुबह में हमने बाबा के साथ गेम समझिए किया था, उसमें ये भी ये प्रश्न उठा था कि तेजस्वी को फंसाने वाले कौन हैं। क्या लालू प्रसाद यादव खुद हैं, जब 2004 से 9 के बीच में वो रेल मंत्री थे, या फिर उनके ही पार्टी के शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, या फिर बीजेपी है? देखिए, पटना के कुछ युवा हैं, इनसे जानना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। तेजस्वी यादव को 4 तारीख को सशरीर पहुंचना है राउंड जवेद जी कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में। क्या लगता है तेजस्वी यादव को फंसाने वाले कौन हैं? क्या लालू प्रसाद यादव हैं, या फिर बीजेपी वाले हैं, ललन सिंह, या फिर शिवानंद तिवारी जो फाइल लेकर के पहुंचे हुए थे? क्या लग रहा है, कौन दोषी है? बीजेपी और कौन हो सकता है? बीजेपी कैसे? बीजेपी बिल्कुल हमेशा से कोई भी काम करे तेजस्वी, कोई भी आएगा बीजेपी का अनपढ़ वाला, जो भी कुछ भी बोलेगा चला जाता है। अब जो शिवानंद तिवारी जो खुद के पार्टी में है, ललन सिंह है, सब लोग एक साथ हैं, तो वो कैसे बोल सकते, वो कैसे फंसा सकते? ललन, शिवानंद तिवारी तो कागज और फाइल जो है वो लेकर के जाकर दिए थे कोर्ट में, बोले थे कि जो है इसमें गड़बड़ी हुई है, आप देखा जाए इस कागज को। नहीं ठीक है, वो लेके गए थे अलग बात है, लेकिन वो कहीं और से काम हो रहा ना। बीजेपी कैसे फंसाएगी, ये सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि जिस समय ये केस हुआ उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस केंद्र में थी। वो मतलब नहीं होता है, जिसका सरकार रहता है वही फंसाता है। अगर मान लीजिए चिराग पासवान का पार्टी है तो वो नहीं बोलते हैं, आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन वो तो नहीं ना, उनका तो मेन पार्टी नहीं ना बिहार में, बीजेपी का है, उसके बाद हम लोग के बाद बीजेपी का है। लेकिन चिराग पासवान भी ना मतलब बोलते रहते हैं, तो यही बात है, उसे मतलब नहीं था। पार्टी जिसका रहता है तो क्या लग रहा है भाई, कौन फंसा रहा है? लालू यादव फंसाए हैं अपने बेटे को, दुखी, क्योंकि 2004 से 9 के बीच में जो चीज़ें हुई हैं उनमें जो है तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है, शिवानंद तिवारी जो है वो फंसाए हैं। शिवानंद तिवारी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, तू कैसे फंसा देंगे? कागज तो वहीं लेके गए थे ना, कागज लेकर गए थे, त्रुटि था उसे सुधार के लिए गए थे, उसको फंसाने के लिए थोड़ी। साक्ष तो मिला था उनके? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, साक्ष कहाँ मिला था? वो तो बीजेपी हर वक्त, बीजेपी हम लोग विपक्ष में कौन है? बीजेपी है तो बीजेपी ही नहीं करेगा, दूसरा कोई थोड़ी करेगा। कि जब ये मामला हुआ तब हमारी सरकार ही नहीं थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, बात सही है, तो कांग्रेस की सरकार आज के भी रहती तो तेजस्वी के इतना टॉर्चर नहीं मिलता। बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वही टॉर्चर कर रहा है। इस टाइम कांग्रेस की सरकार है तो टॉर्चर नहीं मिलता। अच्छा। इस टाइम बीजेपी की सरकार है, वही टॉर्चर कर रहा है। आपके कहने का मतलब है कि जिसका सरकार रहेगा उसके वही विपक्ष वाला फंसाएगा लोग? देखिए, हम लोग बिहार में सरकार है इस टाइम, महागठबंधन की सरकार है, हम लोग किस पार्टी के फंसा रहे हैं? क्या चिराग पासवान के फंसा रहे हैं लोग, बीजेपी के फंसा रहे हैं लोग? कुछ किए नहीं होंगे, फंसा रहे हैं, कुछ किए नहीं होंगे, इसलिए नहीं फंसा रहे। आप कैसे जानते हैं कि नहीं किया है लोग? नहीं आ रहा है मामला, इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं नहीं, मामला तो बहुत है हम लोग का। देखिए, हम लोग पार्टी के विकास करना है, हमारा पार्टी उस सब के पीछा में क्या कर रहा है हम लोग सब थोड़ी देखते हैं। लोग पीछा में कौन क्या कर रहा है, मेरा पार्टी वो नहीं देखता है। राष्ट्रीय जनता दल वही विकास के लिए है, विकास के काम करता है, लोग सच्चाई पर उतरता है लोग। जैसे ही दूसरा पार्टी का, जैसे चलिए बीजेपी NDA की जैसे ही बिहार में सरकार होगी, अरे चलिए ना लालू जी के बेटा के फंसाया जाए, तेज प्रताप जी को फंसाया जाए, तेजस्वी जी को फंसाया जाए, निशा दीदी को फंसाया जाए, ललन बाबू को फंसाया जाए, नीतीश बाबू को फंसाया जाए, उधर श्योरली जैसे ही बीजेपी की सरकार होगी तुरंत फंसाएगा लोग। क्या कांग्रेस में, केंद्र की सरकार कांग्रेस में
जब केंद्र की सरकार कांग्रेस का था, कहाँ नहीं फंसाया लो, फंसाया लो, नहीं फंसाया लो। मामला उसी समय का ना है, मामला तभी उस समय का था, उस समय का था। आज की कांग्रेस की सरकार अगर भारत में केंद्र में रहती नू तो नहीं फंसाता लो। आपके कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो आरोप बार बार लगता है कि बीजेपी के अंडर में सीबीआई ईडी है, तो आप भी ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जब होती तो उसके अंडर में होती? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं होती। कांग्रेस जब रहती है तो कांग्रेस किसी के पार्टी के नहीं आए विरोध किया है ना, विपक्ष में किसी के लिए कुछ किया है। जैसे सरकार रहता है, जैसे जैसा इसका सरकार रहता है वैसे ऐसा काम करता है लोग। अब बीजेपी क्या है, बीजेपी या सरकार का, अरे चलो ना मेरा बीजेपी की सरकार है, हम ही करेंगे, वो करेंगे, इसको फंसाएंगे, उसको फंसाएंगे, वही ना होता है। कांग्रेस का जब तक सरकार रहता है कांग्रेस किसी को नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाएं, इसको फंसाएं। आज के डेट में चलिए, अगर बिहार में अगर बीजेपी की सरकार होती तो तेजस्वी जी को फंसाते लो, तेज पे क्या हो रहा है, केंद्र में सरकार है नहीं फंसा रहा है लो, फंसा रहा है कि नहीं फंसा रहा है लो। कांग्रेस की सरकार होती तो कहाँ नहीं लालू जी को फंसाया लो, केस चल रहा है लो केस। अगर आज के डेट में कांग्रेस की सरकार होती तो खुद ही केस खत्म हो जाता। 4 तारीख को क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? अब देखिए 4 तारीख को जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे तेजस्वी, देखिए वहाँ क्या चल रहा है। पहले हम कैसे बता देंगे तेजस्वी जी हमें है तो भरोसा तो एक होगा, भरोसा है जो देखने से क्या लग रहा है वहाँ जाने तो पाता। और भी लोग हैं भाई, आपको क्या लग रहा है किसने फंसा दिया? नहीं नहीं, तेजस्वी यादव हम नहीं बोले, आप बताइए भाई किसने फंसाया तेजस्वी यादव? कोई नहीं फंसा, फंसाया गया कोई खाए फंसेंगे, कुछ नहीं फंसेंगे। आ रहे हैं तेजस्वी यादव 2024 में 25 में तो हम आ रहे हैं, पूरा फुल मोहब्बत से बनेंगे। जेल चल जाएंगे तो मुख्यमंत्री कैसे? अरे जेल कहाँ जाएंगे, फंसाने से होगा। जब बात करते हैं कुछ भी, किसने फंसाया ये बताइए, बीजेपी वाला लालू प्रसाद यादव खुद? बीजेपी का सरकार, कोई बाप अपने बेटा तो उस वक्त नहीं ना था भैया। एक बात बताइए, कोई बाप अपने बेटा को फंसाएगा? सब नाम तो दे दिए ना, नाम आ गया। बीजेपी का चाल है, बीजेपी से होगा नहीं कुछ, बीजेपी से कुछ नहीं होगा, सब उसका चाल है। नाम तो आ गया, 15 लाख रुपया और 2 करोड़ रोजगार कहाँ है दिया बीजेपी? कुछ नहीं दिया, दिया नहीं दिया। जो रोजगार का बात करे उसको फंसा रहा है लोग, फंसा रहा है लोग नहीं। एक चीज हमको भैया समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय तो यूपी की सरकार थी, तो बीजेपी से पूछते हैं तो कहता है कि हम कुछ किए ही नहीं। हर जगह टॉर्चिंग करता है, यूपी में, बंगाल में, बिहार में, हर जगह 15 जगह बीजेपी साफ है, 24 में वो भी साफ हो जाएगा, साफ साफ पूरा खत्म। कुछ लग रहा है भैया, है क्या लग रहा है भैया, तेजस्वी यादव को कौन फंसा रहा है, अपने ही पार्टी के लोग कि बीजेपी फंसा रही है कि ललन? नहीं नहीं, कोई नहीं फंसा रहे, अपने पार्टी महागठबंधन चल रहा है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस समय ही नाम आ गया कि तेजस्वी यादव के नाम पे जमीन जो है वो कर दिया जाए। नहीं है, कुछ नहीं है, सब आप जनबे कर रहे हैं कि ऐसा है। जो इंडिया हमारा गवर्नमेंट बना है, जो महा इंडिया, अभी जो हमारे एमपी का चुनाव होने जा रहा है, महागठबंधन एक नहीं है, भविष्य चमक रहा है हमारे तेजस्वी जी का, तो इसमें बहुत फंसाने की बातें चल रही है। चल रही है, तेजस्वी चल रही है, जेल चल जाएंगे, कुछ नहीं होगा तेजस्वी जी को। एक ऐसा पार्टी है जो कांग्रेस बीजेपी सिर्फ तेजस्वी यादव की अपनी नज़र से देखते हैं, किसी के पार्टी में नहीं देखते हैं। एक वही इंडिया में जो हमारे बिहार सरकार गवर्नमेंट का जो हमारे लालू जी का लड़का तेजस्वी यादव जी हैं, उन्हीं को सिर्फ देखते हैं कि तेजस्वी जी पर केस हो, लालू जी के फैमिली पर केस हो, और कोई चोर नहीं है। तो मतलब क्या चाहते हैं, किसको आप फंसाना चाहते हैं? किसी को नहीं चाहते हैं, मतलब लगता होगा ना कि भाई ये भी बताइए, हमारे जो इंडिया है, हमारे बिहार गवर्नमेंट है, क्या तेजस्वी यादव जी एक चोर हैं? कौन कौन हो सकता है? कोई नहीं चोर है, अपने देखिए ना, बीजेपी में जाकर देखिए ना, बीजेपी कहते हैं हमने तो कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं, कोई नहीं किया, अपने नजर से भी देखिए, हमको क्यों बुलवाने पा रहे हैं? आप खुद मीडिया, आप सोचिए लालू जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी क्या कर रहे हैं, आप देखिए ना कितना रोजगार दे रहे हैं, कितना काम दे रहे हैं। शिवानंद तिवारी कागज लेके गए थे न्यायालय में, कागज दे दिया, एविडेंस दे दिया, ललन सिंह खुद, जानकारी नहीं है, ललन सिंह खुद गए थे वहाँ। नहीं नहीं, ये महागठबंधन चल रहा है, बहुत अच्छा से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा चलते रहेगा जब तक ये महागठबंधन चलेगा। तो कोई नहीं फंसा रहा है तेजस्वी यादव, बस बीजेपी ओनली बीजेपी लगी हुई है, बस और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सवाल हमारा वहीं रहेगा, यहाँ पे पटना की सड़कों पे कुछ लोग मिल गए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में किसने फंसा दिया, लालू प्रसाद यादव ने, बीजेपी ने, ललन सिंह या फिर शिवानंद तिवारी, किसने फंसाया? बीजेपी के लोग जितना जो लीडर हैं, चमनिया लीडर जो रोड पर जो बगवाइत रहते हैं, सुशील कुमार जो मोदी हुए हैं, बहरूपिया जो कहीं स्थान उनका नहीं है, और इनका लालू जी को सिक्रेटरी रहते थे बीएन कॉलेज में, समझे, सुशील कुमार मोदी ही और अमित शाह, नरेंद्र मोदी
अच्छा लाल कृष्ण अडवाणी के रीजन में, अटल बिहारी वाजपेयी के रीजन में काहे नहीं से होता था? एगो लालू जी से पूरा ऑल इंडिया में मैंने घोटलबाज हैं, अमित शाह के लड़का का जो नोटबंदी बंद था काल, मैंने आज के तारीख है 24 तारीख है, 25 को बंद होना चाहिए, दो दिन पहले से 2000 के नोट कहाँ से आ गया था अमित शाह के लड़का को? बताइए, ये सब झूठ एक के परिवार पर एक के एथी करने एथी पर, माने कि गरीब का ही नेता है, जनाधार है, उसके बाद गरीब का मसीहा है, आवाज उठाते हैं तो सबको सहा नहीं जाता है। तो आपके अनुसार बीजेपी वालों ने फंसा दिया? हाँ, तो हम हमारा अनुसार कहा है, आम पब्लिक पब्लिक जनता सब बोलता है। उस समय बीजेपी की सरकार को थी नहीं सर? बीजेपी सरकार नहीं थी, सही बात है, लेकिन सरकार बीजेपी की नहीं थी किया, कांग्रेस के राज में ना हुआ है सर घोटाला 2004 से 2009 के बीच में? घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ, जेल तो बीजेपी में सर। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। घोटाला हुआ कांग्रेस के राज में, आ जेल हुआ बीजेपी के राज में। लालू जी इतना सच्चा आदमी, लालू जी मुंह के फुअर हैं, जे बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं। तो शिवानंद तिवारी ही लेके गए थे सर कोर्ट में। शिवानंद तिवारी गए थे तो शिवानंद तिवारी गए थे उसमें भी थे राणा आर के राणा भी थे, प्रेमचंद गुप्ता भी थे। सर पार्टी में है तो उलट पुलट हो भी करता है, कभी इधर हो गए नीतीश जी कल नहीं थे आज हैं, लालू जी जहाँ थे जहाँ हैं। आपको क्या लग रहा है बीजेपी वाले फंसा है? हमरा नहीं लग रहा है, आप लोग भी लग रहा है, लोग के भी लग रहा है, आम पब्लिक सब जा रहा है इस देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के फदफता छिनाया, कभी होता नहीं था यहाँ के है, इतुन मोदी जी को हिंदू मुस्लिम के समूह के राजनीत करते हैं, देश द्रोही वाला काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम बना के वो खाली योगी या मोदी, यही इनका राजनीति है। चलिए सर से बात करते हैं, आप नहीं बोलेंगे क्या लग रहा है सर? आप बोल रहे थे सर, सर आप बोल रहे थे क्या लग रहा है किसने फंसा दिया तेजस्वी यादव को? भैया कह रहे हैं कि बीजेपी फंसाई है, तो उस समय मेरा भी यही सवाल है, उस समय तो बीजेपी की सरकार थी नहीं, कांग्रेस का सरकार था। कांग्रेस का समय में केस हुआ था, केस भी उसी समय हुआ था। करने वाले कौन थे? सुशील कुमार मोदी, ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, ललन सिंह तो आज सरजू सिंह, तो वो सरकार में आती है जाती है इधर से उधर, ये कोई बड़ी बात थोड़े। अश्विनी जी को तो नहीं लेना चाहिए गठबंधन, मान लीजिए फंसा रहे हैं उनको, तो ऐसा तो गलत है ना। तो शरद पवार का जो भतीजा अजीत पवार, इतना मोदी जी लाल किला पर से इतना भाषण दिए कि बहुत बड़ा घोटलबाज अकल हो के उनका पार्टी में ले लिए, बीजेपी भी तो वही काम कर रहा है, कहाँ मोदी जी साफ सुथरा है। अमित शाह फंसा रहे हैं, सुशील कुमार मोदी फंसा रहे हैं लालू जी के, और कौन फंसाएंगे? गृह मंत्री अमित शाह है, जैसा कौन ईडी उसका, सीबीआई उसका, इनकम टैक्स उसका। हाँ, अच्छा एक सवाल के, उस समय 2004 से 9 के बीच में तेजस्वी यादव की उम्र ज़्यादा नहीं थी, कम उम्र में लालू प्रसाद यादव को ऐसा ना लगे कि भाई फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा? अभी नाम दे दिए, 16-17 साल के उम्र में उनके नाम पर जो है वो जमीन रजिस्टर्ड हो गया, तो ऐसा कुछ डर नहीं लगा उनको कि भाई क्या है हम बता रहे हैं? नाबालिग उस समय वो टेंडर गए थे डालने, नाम तो सर है ना कागज? अरे नाम तो गृह मंत्री कोई के घर सीट लेंगे, हिंदू मुस्लिम उनका बात है अलग है, ऐसा कोई बात नहीं। उस समय नाबालिग थे, नाबालिग में वो टेंडर 14-12 साल की उम्र में डाल सकते हैं, कोई डाले हैं टेंडर तब बताइए। तो फंसाए जबरदस्त, हाँ बीजेपी जनधार नेता है लालू जी, गरीब के मसीहा हैं, गाँव भी रहते हैं, 50,000 का भीड़ जुट जाता है। हाँ, ये तो बीजेपी के एक ये है कि बदलाम करना, इलेक्शन का समय लोकसभा 24 में आ रहा है तो बदलाम करना है लालू जी के, तो कुछ ना कुछ तो करते ही न रहते हैं। क्या लग रहा है 4 तारीख को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बेल होगा, और जेल चल जाएंगे तेजस्वी? नहीं जी, बेल होगा, पूरा भरोसा है? हाँ भरोसा है, नहीं जी सुप्रीम कोर्ट राधा चरण सेठ को सर टांग लिया ईडी, तो उनका इनमें अंतर ना है लालू जी में, हाँ सेठ जी में लालू जी में अंतर ना है, लालू जी के ऊपर जगना है, वो जलेबी बेचते थे, लालू जी बहुत नेशनल नेता नहीं जी, कोई छोटा मोटा अपने हाथ से 2-3 प्रधानमंत्री बनाए, देवगौड़ा आके गुजरात, विश्वनाथ प्रताप, बहुत उनमें अंतर है, सुप्रीम कोर्ट है
बहुत है, कोर्ट का नियम है, कोर्ट से बिल होगा, बात करते हैं बिल पर रहेंगे और भी सर इनसे बातचीत करेंगे। सर वही सवाल है, क्या लग रहा है आपको, किसने फंसा दिया तेजस्वी? देखिए सबसे पहले बिहार का जो सुशील कुमार मोदी जी हैं जी, हेलो, उनको दिल्ली का राजनीति करना चाहिए कि बिहार का राजनीति करना चाहिए? ये कोई बात में चल आते हैं लालू जी के परिवार में, अब कोई बिहार में कोई नेता नहीं है, ये जानना चाहते हैं कौन है सर भ्रष्टाचारी, कौन है नीतीश लालू यादव के अलावा, लालू परिवार को छोड़ के बीजेपी वाले में कौन भ्रष्टाचारी ऐसा लगता है आपको? हमको बीजेपी के बीजेपी पार्टी में सबसे भ्रष्टाचार और सबसे मेही स्वीट पॉइजन वो सुशील कुमार मोदी हैं। अपने बारे में जाने नहीं जाने, वो अपनी बहन के बारे में वो भी तो फंसी हुई है, नीलम मोदी की, उनका बहन का कोई नाम उमा रहा, चुपचाप दबा के तकिया के नीचे फाइल रख लेते हैं। आज जब बिहार में आते हैं तो लालू परिवार, आरजेडी परिवार, महागठबंधन के लोगों को उन्होंने तंग करने का सिर्फ काम किया। लालू यादव एक ऐसा नेता है कि वो जोड़ने का काम किए, गरीब ललित बड़ में, यादव समाज में, बनिया समाज में, सभी समाज को लेकर चलने का उन्होंने काम किया। सुशील कुमार मोदी से बर्दाश्त होने का क्षमता बिल्कुल ही नहीं है। बीजेपी फंसा रही है, बीजेपी 101% बीजेपी फंसा रही है और बिहार के जनता बीजेपी को निगलेक्ट कर दिया। अब की महागठबंधन में 40 के 40 सीट, चाचा जी पलट गए इस बार तो नहीं पलटेंगे ना, उस सच्चाई के रास्ते पर अभी वो चल पड़े हैं। अच्छा अभी लग रहा है कि एनडीए में वापस आ जाएंगे, ऐसा चर्चाएं चल रही हैं सब? नहीं नहीं नहीं, उस सच्चा हम बता रहे हैं ना, उस सच्चाई के रास्ता पर अभी चले, वो भ्रष्टाचार को छोड़कर और एक पार्टी में महागठबंधन जो पार्टी बने हैं बना है उसमें वो आ गए हैं। वो बीजेपी के लोगों कितनों उनको भी तंग करेगा ना, वो हिलने वाले नहीं है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ नहीं होने वाला। जिसके पास हाँ, जिसके पास सच्चाई है सच का, सच का ही विजय होता है। घबराने से कुछ नहीं है, घबरा तो रहे हैं बीजेपी के लोगों की क्या होने वाला है। अरे हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे चंद्रदूर साहब हैं वो देखिए न्याय करता है, न्याय करेंगे, दम करेंगे, भरोसा है हम लोगों पर। यादव को 4 तारीख को पेशी होना है, आरोप लग रहे हैं कि तेजस्वी यादव को फंसाया कौन है, लालू प्रसाद यादव खुद फंसा दिए, जो शिवानंद तिवारी उनके पार्टी के उन्होंने कागजात दिया उस वजह से तेजस्वी फंसे, बीजेपी फंसाई है या फिर ललन सिंह जो कागजात लेकर गए हुए थे, कई तरह के आरोप लगते हैं, किसने फंसाया तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जी को एक ही, उनकी जो पब्लिसिटी बढ़ रहा है उसको देख करके भाजपा घबरा गया है और भाजपा की ये चक्कर भी हुए है, अंदरूनी चक्कर भी हुए जो हम लोग आप लोग नहीं जानते हैं। अच्छा भाजपा कैसे फंसा देगी, ये तो यूपीए की सरकार में सारा कुछ खेल हुआ है, तो बीजेपी कैसे फंसा देगी? अभी बीजेपी अंदरूनी बैठक करके उसको घोरबंदी कर करके ऐसा प्लान टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं तेजस्वी को उसमें लपेटा जा रहा है। बीजेपी कहती है कि हम तो कुछ किए नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी, लालू यादव गठबंधन में थे और रेल मंत्री थे उस समय में, और उनके ही पार्टी के लोग जाते हैं कागज दे देते हैं, चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा हो जाती है, तो बीजेपी के इसमें कैसे आ गई? बीजेपी इस चीज को उजागर करते हुए दिखाया गया कि उन लोगों के हैंड में अभी सारा चीज है, तो ऐसा कमर कस के तेजस्वी पर लगा है जो किसी भी तरह जेल में चले जाए, एक तरफा भाजपा राज हो बिहार में और भारत में तो चल ही रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव को उस समय अपने बेटा के नाम पे जमीन नहीं करना चाहिए, तब वो 16 साल के थे 17 साल के थे उस समय, ऐसा नहीं किया गया, जो भी डॉक्यूमेंट दिखाया गया है उसको थोड़ा तरीके से जाँच हो, 16 साल के समय में तेजस्वी के नाम से नहीं किया गया था। कहते हैं लोग कि लालू यादव ने फंसा दिया तेजस्वी को नाम, ऐसा जो भी कहना है वो गलत है, ये भाजपा माइंडेड की बात है, भाजपा वाले की जो सोच है, देखते हैं देश और दुनिया में क्या स्थिति बना लेकिन हुआ। लेकिन चारा घोटाले में शिवानंद तिवारी ने ही तो कागजात दिया था ना, तब ये कैसे कह सकते हैं भाजपा फंसाया है? ना ना ना, शिवानंद तिवारी जी एक पक्ष रखे थे, ललन सिंह जी, नीतीश कुमार जी उस समय जो जब अलग थे तो इन लोग
इन लोग सब आदमी मिलकर के केस दायर किया हुआ था सिर्फ लालू के खिलाफ ही, जबकि इसमें सब थे सम्मिलित। जिस समय चारा घोटाला की बात हुआ उसमें बड़ी से बड़ी सजा, फंसाने वाले अपने ही लोग हैं ना, ललन सिंह ने तो दिया ना जी, तो भाजपा संघ थे ना नीतीश जी ललन जी उस समय में, आज तो हो गए तो कम से कम आज मामला खत्म कर देना चाहिए। पावर तो इनके हाथ में है ना, भाजपा वाले के हाथ में ईडी सीडी सीबीआई अदालत यहाँ तक कि जज भी है। तो उस समय कांग्रेस की थी तब काहे नहीं हटवा दिया गया, ये भी तो एक सवाल उठता है। यूपीए सरकार में कुछ तो ठंडा था, इस मामले को देख रहा था, जांच रहा था, लेकिन इस चीज को आप जब से भाजपा आया है जो भी विपक्ष लग रहा है मजबूत है उस पे हमलावर है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को 4 तारीख को क्या कुछ फैसला आएगा, जेल जाएंगे क्या तेजस्वी यादव? ना ना, ये तो कोर्ट का आने दीजिए, क्या है कोर्ट उस पे सुनवाई करेगी विचार करेगी। क्या लग रहा है? ना मुझे तो नहीं लग रहा है, तेजस्वी निकलेंगे? हाँ निकलेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ बनेंगे, बिहार में अब 25 में बिल्कुल भरोसा, बिल्कुल ना ना चाचा छोड़ दे, चाचा आप कहीं होके नहीं रहेंगे, अगर छोड़ेंगे भी तो चाचा जी को एकदम, चाचा को एकदम चाची के पास। कितना भरोसा है नीतीश कुमार पर? नीतीश कुमार पे भरोसा अभी जिस तरह से भाजपा उनके साथ खेल किया, साथ में रह करके एक गेम प्लान किया, अगर फिर अगर वो जा रहे हैं उसमें अगर चले जाएंगे तो नीतीश बाबू अगर ऐसा सोच रहे हैं तो उनके जैसा हम नहीं समझेंगे कि आप जब जाएंगे तो फिर कहीं होके नहीं रहेंगे। नीतीश जी आप रिटायर हो जाएंगे, 25 में तेजस्वी का बिहार होगा, मेरा ये कहना। जी नहीं, यहाँ जो है सो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ही अपने बेटे को फंसा दिया। अच्छा, वही फंसा दिया? हाँ, उसका वजह ये है कि जो पैसा इनपुट आउटपुट हुआ, पैसा या जमीन जो इनपुट हुआ और नौकरी आउटपुट हुआ, तो उसमें जो है बेटे के नाम से जमीन लेना किसका काम है? ये काम तो गार्जियन ही कर सकता है, राबड़ी देवी करें चाहे लालू जी करें। तो लालू जी जो है सो अपने बेटे को खुद फंसाए हैं, और जिसमें रियलिटी है, सत्यता है, हाँ एज कुछ भी हो, अब हमारी बच्ची अभी 5 साल की है और कहीं से 500 करोड़ लूट करके ले जाएं और बच्ची के नाम पर रख दें, 10 साल के बाद केस किसके ऊपर होगा भाई कि ये पैसा कहाँ से लाए? हमारी बच्ची 5 साल की ही है, क्या मतलब है इसका? नाम तो जिसके नाम से वो रुपया है 500 करोड़, तो हमारी बच्ची ही फंसेगी ना, वो 15 साल की हो जाएगी उस समय, तो उसको मतलब जुमलाइन कोर्ट में रखे सरकार चाहे कहीं भी रखे, लेकिन उसको तो सजा मिलना है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्कैम नहीं हुआ है, स्कैम जो है हर हाल में हुआ है, हाँ। झूठा आरोप अगर कोई लगाता है, लगाता तो लालू प्रसाद यादव ये 40 सालों में 1977 में शायद जेपी आंदोलन हुआ था, जी, 77 में, तो उस समय जेपी आंदोलन के बाद निकल करके आना भैंसी पर से और इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर लेना, अपनी पार्टी खड़ा कर लेना, वो भी आज से 20-25 साल पहले, मतलब 10-15 सालों में जो उन्होंने अर्जित किया, मेहनत किए, गरीब के नेता हैं तो मेहनत किए, गरीब तो जमीन से घास आप भूसा बेच करके, घास भूसा चारा जो खाए वहाँ से उनको बुलंदी मिला, और उसके बाद रेगुलर मुख्यमंत्री रह गए, तो वहाँ जो है सो जहाँ तक इनको सकान हुआ पचा गए, चारा को नहीं पचा पाए और कतरा को नहीं पचा पाए, तो ये सब तो धीरे 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 निकलना है ना भाई। इतना बड़ा जेल तक खट लिए इतने बड़े मतलब लीडर होकर के, जिन्होंने 2-3 प्रधानमंत्री बनाया है, इनके सपोर्ट सहयोग से 2-3 प्रधानमंत्री बने हैं, किसी गधे को खड़ा कर देते हैं तो विधायक बना देते हैं। मैंने सुना कि कोई सिपाही का नौकरी इनसे मांगने आया, उसको विधायक बना दिए, विधायक बन जाओ राजा के सिपाही बनो। तो आप लोग मतलब आप लोग मीडिया वालों को पार्टी के हिसाब से, हम लोग मतलब आम नागरिक हैं, तो आम नागरिक से ही आपको जो भी बात छन करके आएगा मिलेगा,
वही सत्य, हाँ वही सत्य है। बार बार हाँ। आरजेडी चाहे कोई भी जो है आरोप लगाता है कि भाई बीजेपी वालों ने फंसा दिया मामला कांग्रेस का, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं विपक्षी, इन पे वो लगाएंगे उन पे वो लगाएंगे, ठीक है ना, उसमें जायज कहीं नहीं होता है। अच्छा क्या लगता है 4 तारीख को जेल चल जाएंगे तेजस्वी जी? जेल जाना नहीं जाना ये तो जो है सो चंद्रचूड़ साहब के, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और वो बहुत ऑनेस्ट भी हैं जहाँ तक हम उनको जानते हैं। मैं दिल्ली में अभी 2 साल से रह रहा था तो वहाँ का न्यूज हमको मनीष कश्यप वाला या बहुत सारा न्यूज जो है सो हमको मिला, और उनका AK सिंह का जो वकील है उनका बाइट आता है कभी कभी, कपिल सिब्बल का बाइट आता है, तो उस सब में छान करके निकलता है कि हाँ कहाँ कौन क्या है नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय में है तो इसमें आपको सजा अभी हो चाहे नहीं हो लेकिन सजा इनको तय है, हाँ हाँ सजा इनको तय है, लैंड फॉर जॉब में भी, और जो गुजरात गुजरात वाला जो मामला है वो सबसे टफ मामला है साहब। गुजरात एक ऐसा जगह है जहाँ से हमारे महात्मा गांधी बापू जिनको बोलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी वहीं से आए। क्या वो चोर थे? वो बेईमान थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको फर्स्ट प्रधानमंत्री अगर वो बन जाते तो आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो उसी समय कर चुके होते, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ एक और रीजन है, बीजेपी और RJD का पुराना दुश्मनी है, पुराना दुश्मनी 1991-92 का दुश्मनी है, जो राम मंदिर के लिए जो रथ यात्रा निकाले थे आडवाणी जी, और जिस रथ को रोके थे उस पर अटल भले आडवाणी जी ही नहीं थे, उस पर मोदी जी भी थे, लपेटा यहाँ भी है, दोष यहाँ भी है, और मोदी जी छोड़ेंगे नहीं साहब, ये पंचवर्षीय इनका जो है सो पत्ता साफ, हाँ हाँ पार्टी सहित पत्ता साफ अगर नहीं हुआ तो आप अपने दरवाजे पर हमारे नाम पर कुत्ता पाल लीजिएगा, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अच्छा। जी तो पटना के लोगों से हमने जान लिया कि तेजस्वी यादव को कौन फंसा रहा है, जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनका नाम आया, 4 सितंबर को दिल्ली के राउंड रेवेन्यू कोर्ट में उनको लालू प्रसाद यादव को राबड़ी देवी को पेश होना है। अब देखते हैं 4 तारीख को क्या कुछ फैसला आएगा, लेकिन पटना के लोगों ने फैसला सुना दिया, क्या होगा आपने सुना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।